पर आज के लिए पिच, ग्राउंड, मूड, माहौल है कैसा ये समझ लेते हैं, क्योंकि अपना तो खैर खिलाड़ी अजीबोगरीब खेल रहे हैं आजकल, फिर भी पिच कैसी दी गई है क्यूरेटर्स द्वारा ये देख लिया जाए। ये तो सख्त मामला दिख रहा है, पिच तो ठीक है, पिच में कोई गड़बड़ नहीं, पिच बहुत शानदार है। हाँ, चाहे वो आप ग्लोबल देखो या इंडिया में, क्या ना देखिए, अभी ये इंडेक्स कल इतने पॉजिटिव कमेंट थे प्राइम मिनिस्टर के सबके, लेकिन इंडेक्स लेवल पे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। थोड़ा बहुत तो लगता है डीआई को धक्का दिया, बोले लो भाई एफआईआई ने कल भी कितना 1800 का बेचा, उन्होंने असल में क्या हुआ 3500 की खरीदारी कर ली, नेट फ्लो बढ़िया हो गया, कर नेट फ्लो बढ़िया होगा। मेरा मानना ये है कि ग्लोबल पिच हम जरूर देखते रोज और बहुत ही शानदार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 जून तक आप इंडेक्स लेवल पर इंडिया को ऐसे ही देखेंगे, 23,000 के आसपास नीचे 200-400 पॉइंट की रेंज में, लेकिन स्टॉक में बड़ा मूवमेंट होगा। क्या होता है, नए नए खिलाड़ी होते हैं ना, इतनी पब्लिक देख के नर्वस हो जाते हैं, आम जनता की नर्वसनेस है ये। आम जनता नर्वस, लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं ना, छवे चक्के जल रहे हैं भाई साहब। कल कल जिस तरह से हिंदुस्तान जिंक 20% चला है, और इससे वो तो नाम इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा चला, अदरवाइज आप पूरा मेटल देखिए, PSU बैंक देखिए, इंडियन बैंक आखिरी घंटे में 7% ऊपर था, चांदी का कमाल था हिंदुस्तान जिंक तो, इसलिए बहुत सारी कंपनीज। अच्छा, हिंदुस्तान जिंक में चांदी का कमाल, एक कंपनी थी जो बेचारी सालों से बेंगलुरु के कर्नाटका से वो माइन करना चाहती सोना, पता नहीं केसों केसों पता चली जा रही है। देखो ऑनेस्टली मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मुझे बहुत सीरियस डाउट है कि भारत में गोल्ड माइंस है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कहाँ खुदाई करके वो बहुत गोल्ड सोना निकाल लेंगे, बाहर कहीं विदेश में जाके। सालों से देख रहा हूँ मैं, पता नहीं 20 साल से कम से कम 20 ईयर्स पहले हमने सुना था कि गोल्ड निकालेंगे कुछ ना कुछ। तो खैर ये तो देखा जाएगा आगे, लेकिन इंडेक्स लेवल में मुझे लगता है कि यहाँ से अभी पिच आप देखोगे तो आपको ऐसी लगेगी सबड्यूड 4 जून तक, लेकिन इंडेक्स स्टॉक लेवल पे बड़े मोमेंटम है और उसका फ़ायदा उठाइए। लेकिन ग्लोबल पिच देखना चाहते हैं तो बहुत ही सॉलिड है, शानदार है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। नहीं वाकई BHEL 320 रुपये गए वैसे। मैंने अपनी टीम डाला कि रिजल्ट बताऊंगा मैं। हाँ, BHEL के सबसे टॉक्ड अबाउट रिजल्ट है वैसे आज। खैर टीम शुरू कर रहा हूँ, और ध्यान रखिएगा सब लाल हरे अपने न्यूज पेक्स के चलते हैं, प्लीज़ फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा अगर इन 20 स्टॉक्स जो मेंशन हो रहे हैं कोई ट्रेडिंग वेडिंग का मन बना रहे हो आप लोग। हिटाची एनर्जी हरे में रखता हूँ, नंबर्स ऑपरेशनली तो अच्छा है, वैसे पूरा परकुलेट हुआ है, आय में 27% का उछाल, इबीटा 92% का जंप, मार्जिन्स 360 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए, तो अच्छी आय में उछाल, मार्जिन्स में बढ़िया एक्सपेंशन, और मुनाफा 50-51 करोड़ वाला बढ़ के 113-114 करोड़ रुपये पे, हालांकि ये ट्रेडिंग वाला है नहीं, ये लिक्विड है, टिकट साइज बड़ा है, तो अपन जो वॉच करेंगे, अच्छा नंबर है इसीलिए अपफ्रंट मेंशन कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे नंबर्स हैं GETND इंडिया के, Q4 में आए इसकी भी 30% साल दर साल बढ़ी, PBT 4.25 करोड़ वाला बढ़ के 102 करोड़ पे पहुंच गया, और घाटा होता था इस तरह का ऑपरेशनल हुआ परकुलेट होके सब कुछ आया तो इसको 15 करोड़ 15.5 करोड़ के घाटे के सामने 66 करोड़ का मुनाफा हो गया। नंबर्स अपनी जगह है, इन कंपनीज की एक और हाईलाइट है स्वेलिंग ऑर्डर बुक, Q4 में ऑर्डर बुकिंग्स हैं 1330 करोड़ की, साल दर साल क्वार्टर कंपेयर करूं तो 53% ऑर्डर बुकिंग में जंप है, FY24 की ऑर्डर बुकिंग्स हैं ऑलमोस्ट 5,800 करोड़ रुपए, 112% साल दर साल का इजाफा है, और इस समय ऑर्डर बैकलॉग क्वार्टर के एंड में खड़ा हुआ था 6,270 करोड़ का, इस तरह से पिक्चर तस्वीर है, तो नंबर्स अच्छे हैं, इंटरनल्स अच्छे हैं, इसीलिए हरा है। अब स्टॉक क्या प्राइसिंग करके ऑलरेडी बैठा हुआ है वो नहीं पता, क्योंकि ऑलरेडी कल के बाजार में 4-5% मजबूत था। इंडोको रेमेडीज पिटा हुआ स्टॉक है, USFDA से एक एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन यानी कि अंडा अप्रूवल आया है प्रेगाबलिन कैप्सूल्स के लिए, जो ये अपनी गोवा फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर करेंगे, न्यूरोपैथिक दर्द के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, मंजूरी आई है, बढ़िया खबर है। पिटा हुआ स्टॉक है, ग्रीन रखा है, देखते हैं आज बिहेवियर कैसा रहता है, लेकिन ये तीनों हरे हरे
तीनों अच्छा मेरे मतलब सब ज़्यादातर हरे हरे हैं, मेट्रोपोलिस नंबर अच्छे हैं इसके और उम्मीद से बेहतर नंबर आए हैं। रेवेन्यू में 16% की ग्रोथ है, 331 करोड़ है, एबिटा भी 80 करोड़ आया, 72 करोड़ का अनुमान था, मार्जिन 23% का अनुमान थे, 24.2% आए हैं और मुनाफा 38 करोड़ के सामने 36.5-37 करोड़ आया है। और इसमें अमीरा शाह जो इनके MD हैं वो अब MD का पद छोड़ेंगे और वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे। तो कई रिपोर्ट्स में ऐसा लिखा हुआ है कि क्या ये भारी पड़ेगा, भाई वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन नहीं भारी क्यों पड़ेगा, मुझे लगता है नंबर अच्छे हैं और मार्केट इसको लाइक करेगा। हाँ, एक रेड में है एरिस लाइफ। एरिस लाइफ में जो नंबर्स है ना वो ठीक है, लेकिन मार्जिन में 2.5% की कमज़ोरी है और नंबर भी इसलिए क्योंकि उन्होंने एक एक्विजिशन किया था, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है दबाव वाला स्टॉक रह सकता है, तो इसको मैं रेड में रख रहा हूँ, एरिस लाइफ साइंसेस को। तीसरा स्टॉक है गल्फ ऑयल। ये मतलब बहुत ही स्टीडी परफॉर्मर है, ये बहुत सारे लोग इसको डिविडेंड के लिए तक खरीदते होंगे, लेकिन नंबर अच्छे हैं, 792 के समय 870 करोड़ का रेवेन्यू और 106 के सामने 115 करोड़ का एबिटा और मुनाफा 80 करोड़ से बढ़ के 87 करोड़, नंबर अच्छे हैं इसके, तो गल्फ ऑयल को भी ग्रीन में लेके चल सकता है। तीन होगा मेरे भी। JK टायर डिसेंट लग रहा है, क्वार्टर आए 2.5% बड़ी, इबीटा 28% बढ़ा, मार्जिन्स में 260 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट और मुनाफा 56% बढ़ा। और उसे पर्सपेक्टिव में रखूँ तो इसके पीयर्स जो अभी दिग्गजों के नंबर्स आए थे उसमें मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन आ गया था और आज तो खैर एक में लास्ट ट्रेड भी होना है, तो ऐसा ना टायर एज ए स्पेस ठंडा पड़ जाए, और मुझे लगता है JK टायर के नंबर्स डिसेंट हैं, ऑपरेशनली अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए इसको मैं ग्रीन लेके चलता हूँ नंबर्स पे। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पिटा हुआ स्टॉक है, नंबर्स पर कहा जा रहा है नंबर शायद आ चुके हैं बाजार के टाइम, ये ध्यान रखिएगा, अब रिएक्शन उसके बाद ठंडा सा है, इसका मतलब नंबर्स अच्छे लग रहे थे रात में देखे मैंने तो, 30% साल के हाई से स्टॉक करेक्टेड खड़ा हुआ है। ये कंपनी एरोस्पेस, ग्राउंड डिफेंस, एवियोनिक्स वगैरह के लिए मिशन क्रिटिकल और वो टाइम सेंसिटिव प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है, ऑपरेशंस करती है। आय 26% बड़ी, इबीटा 26% बढ़ा, मार्जिन्स में रिजल्ट्स नहीं डायरेक्टर साहब क्या, मार्जिन्स में 21% के का आंकड़ा है और मुनाफा 79% का जंप दिखा रहा है। अच्छा, FY25 की गाइडेंस भी डिसेंट है, आय 25% बढ़ने की बात कर रहे हैं और इबीटा कह रहे हैं कि 22-24% के कॉरिडोर में रहेगा, तो गाइडेंस अच्छी, नंबर्स इंकरेजिंग, स्टॉक करेक्टेड खड़ा हुआ है। एक लाल है लेकिन वो है महाराष्ट्र सीमलेस, आय 26% साल दर साल गिरी है, इबीटा इसका 321 करोड़ से घट के 275 करोड़ पे है, यानी कि मार्जिन्स मेरे ख्याल से 22% के आसपास के, मुनाफा रिड्यूस हुआ है, ये नंबर्स ठंडे हैं महाराष्ट्र सीमलेस के लिए, वो टॉप लाइन सबसे बड़ा चैलेंज है, ठंडा जो पड़ गया और इवन सीक्वेंशली ठंडे दिख रहे हैं, इसको लाल रखा है मैंने। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।